पीने का काम किया है, हरियाणा को खोखला करने का काम किया, दीमक की तरह खा गए हैं, उनके साथ आज से हम अगले 21 तारीख तक पूरी मजबूती से रहेंगे और उन ताकतों को सबक सिखाएंगे। ये केवल हरियाणा चुनाव तक मामला सीमित नहीं है, इस चुनाव के बाद राष्ट्र निर्माण की हमारी राष्ट्रीय मुहिम होगी और इसमें हम पूरे देश से अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बदलते भारत को किस तरीके से आगे लेकर के जाना, क्योंकि हमने पूरे देश में काम किया है और बहुत से लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की लड़ाई, सब लोगों की भावना मेरे पास, जब से हमने एक कदम उठाया उसके बाद पूरे देश से मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर के कांग्रेस चले गए उनके भी आए, जो कांग्रेस के अंदर है उनके भी आए, जो बाहर से साथी है उनके भी आए। भाई दुष्यंत जी का भी कुछ दिन पहले फोन आया कि आप बड़े भाई वाला आशीर्वाद दो, मैं तो चुनावी दंगल में हूं। और सारी चीजें देखने के बाद फिर हमने ये तय किया कि हम दुष्यंत जी को और उनकी पार्टी को ये जहां अच्छी पोजीशन में है वहां पर इनको सपोर्ट करेंगे। तो ये सेलेक्टिव होगा, लेकिन वो मैं समझता हूं कि अधिकतर सीटों पर जहां सरकार बनाने की बात होगी, इनकी सरकार बने। और मैं समझता हूं कि इतना बढ़िया चेहरा, युवा भी है और जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं और जिस तरह की जरूरत है, मैं समझता हूं कि ऐसे साथी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए छत्तीस बिरादरी को एक होकर के पूरी ताकत लगानी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने मेहनत करी पिछले 5 वर्ष, ये उनके लिए भी है कि वो जो मेहनत करी है उसको कहीं ना कहीं, अगर हम ऐसे ही छोड़ देते, किसी की सपोर्ट नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि वो मेहनत भी व्यर्थ होती। मेरे पास सारी पार्टियों के, मैं आज भी कह रहा हूं, सारी पार्टियों के ऑफर भी आए, सारी पार्टियों के सपोर्ट के लिए रोज फोन आते, लोग रातों को मिलते हैं, कुछ दिन में मिलते हैं, दाएं बाएं बीजेपी के लोग भी बैठते हैं आकर के। मैं धक्का तो मार नहीं सकता, धक्का मारूंगा तो मेरी वीडियो बन जाएगी, तो कोई भी आ सकता है और आप देख भी रहे हैं कि सारी। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का कई लीडर्स ने उपयोग किया उसके बाद मैं समझता हूं कि सारे उसको देखते हुए, क्योंकि धक्के से किसी को समर्थन दे दो तो वो भी सोचता है कि भाई पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, अपनी कोई मजबूरी नहीं, और धक्के से किसी को समर्थन नहीं देंगे। जिसने मांगना है वो खुले में मांगे, जैसे भाई दुष्यंत जी ने पहले कहा और आज हमारे साथ में हरियाणा में कहावत है, बोले भाई ऊंट की चोरी करे और कोड़े कोड़े चाले। ऊंट की अगर चोरी करनी है, समर्थन मांगना तो खुले में मांगूंगा, अच्छे लोग होंगे तो समर्थन दे देंगे और नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो उसी तरीके से आज के बाद कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी आज के बाद, क्योंकि घमंड और गुरूर टूटेगा। वही तोड़ने के लिए हमने कहा था कि गर्दन की रोड और मरोड़ दोनों निकालेंगे गुरूर, क्योंकि परमात्मा और जो गुरु है ना उसका 36 का आंकड़ा है, वह है उनका, जिसके गुरूर हो जाता है उसका वो तोड़ता ही तोड़ता है, वो तोड़ने का काम करेगा। और जिस तरीके से एक झूठा प्रचार हो रहा है, अभी तक तो मैं भी मौन था, मैं देख रहा था कि कौन कौन कितनी झूठ बोल सकता है, झूठ पे झूठ चल रही है पिछले जब से चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है। तो अगले 4 दिन में वो सारी झूठ का भी पर्दाफाश हम इस चुनाव के माध्यम से करने का काम करेंगे। और जो बयान दिए मुख्यमंत्री जी ने भी मैं देख रहा था, महिलाओं के प्रति क्या उनकी सोच है वो तो हमने पहले भी देखा है, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ, शैलजा जी के खिलाफ जिस तरीके की, चाहे ठीक है हमने रिजाइन किया वो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की जो टिप्पणी है, और इससे पहले भी 5 साल जिस तरीके से रेल गैंगरेप, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ हरियाणा में रहे महिलाओं के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। सभी साथियों से मैंने जैसा कहा कि मैंने सब साथियों से सलाह करी, क्योंकि कांग्रेस में क्या ट्रीटमेंट हम लोगों को मिली वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
मैंने लोगों से पूछा कि भाई सपोर्ट किसको करें, तो मैंने कहा कि हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका समर्थन लेने के लिए मेरे पास फोन आया। फिर मैं कह रहा हूं, और इसी तरीके से जब मैंने उनसे चर्चा करी तो मैं पिछले कुछ दिन पहले करनाल, यमुनानगर, जो संत रविदास जी के मंदिर को लेकर के जो मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़ा गया, उसी तरीके से लखनऊ के अंदर भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर तोड़ा गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो पहले था यूनिवर्सिटी बन गई उसके अंदर, तो वहां भी उसको लेकर के जो बच्चे जेल के अंदर है, रिहाई की जो मांग कर रहे हैं 96 बच्चे, उन सब मुद्दों को लेकर के जब मैं उनके धरने पर समर्थन करने के लिए गया, तो वहां पर सुनकर के जो एक मैं समझता हूं कि कोई भी गरीब आदमी जो भगवान वाल्मीकि, संत रविदास, कबीरदास जी जो हमारे संत हुए इस गरीब समाज को दिशा देने वाले, वो सोच करके मन किया नहीं कि उनको सपोर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि एक था सिकंदर लोधी जिसने रविदास मंदिर का निर्माण करवाया, और एक है नरेंद्र मोदी जिसने रविदास मंदिर को करवाया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको पता होगा। आज भी वहां पर अटॉर्नी जनरल के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है, मैं तो उसमें नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे वकील उसमें रहेंगे, 18 तारीख को डेट है उसकी। तो लड़ाई, ये बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमारी लड़ाई आगे आने वाले समय में चलती रहेगी।